हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह के बेहद करीबी और कांग्रेस के मनोनीत पार्षद अमन सेठी ने सोलन में पत्रकार वार्ता कर भाजपा पर कई जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल विकास को लेकर भाजपा के काफी गुणगान कर रहे थे, लेकिन वे ये बताएं कि वे जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनके रहते सोलन जिला को मिलने वाले ईएसआई अस्पताल यहां से दूसरे जिले को क्यों चला गया। और यही नहीं, सोलन अस्पताल में उन्होंने चिकित्सकों की पोस्टें पक्के तौर पर सृजित क्यों नहीं की, इसलिए अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है और अब तो भाजपा कार्यकर्ताओं का भी उनसे मोह भंग हो चुका है, इसलिए वे अपनी राजनीति नाहन में जाकर करें और वहां के लोगों को मूर्ख बनाएं। मनोनीत पार्षद अमन सेठी ने चुनाव बाण फेंकते हुए कहा कि बिंदल हमेशा से परिवारों में फूट डालकर राजनीति करने का फॉर्मूला अपनाते हैं और इस बार भी उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के परिवार से ही दूसरा प्रत्याशी खड़ा करके ये बात साबित कर दी है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि वे इन चुनावों में भाजपा प्रत्याशी को हराकर सांसद वीरेंद्र कश्यप को राजनीति की दौड़ से बाहर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज वे किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जबकि जब वे मंत्री थे तो उन्होंने उनके ही मंत्रियों के भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरा था और कई दिनों तक विधानसभा भी भंग रही थी। मैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी को ये बोलना चाहूंगा कि उनका शुरू से सोलन में जब वो मंत्री थे और एमएलए थे, उनका यही काम रहा है कि भाई को भाई से लड़ाना, बाप बेटे को लड़ाना, परिवारवाद करवाना। तो अब भी हमारा तो कैंडिडेट डॉक्टर शांडिल जी पहले से ही थे तय कांग्रेस के, तो डॉक्टर राजेश कश्यप को बिंदल जी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वीरेंद्र कश्यप जी की राजनीति खत्म करने के लिए, जो भाजपा में लड़ाई और फूट डालने के लिए जो कश्यप जी को उतारा है, भाई को भाई से लड़ाना, बेटे को बेटे से लड़ाना, जो भाजपा की और बिंदल की राजनीति रही है वो शुरू से ही यही रही है। दूसरा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मैं बिंदल जी से पूछना चाहता हूं कि याद करो वो दिन कि किसकी वजह से आपकी सरकार में आपके खिलाफ विधानसभा भंग रही थी। दूसरा, कि आपको इस्तीफा क्यों देना पड़ा था। सोलन में इस बारी पांचों की पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसी राजा वीरभद्र सिंह जी की झोली में डालकर हम सारी पांचों सीटें जीतेंगे।